टीवी जगत के पॉपुलर शोज में से एक भाभी जी घर पर हैं एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। कुछ सालों पहले शो को शिल्पा शिंदे ने अलविदा कह दिया, फिर सौम्या टंडन ने भी कोरोना वायरस महामारी के बाद शो से दूरी बना ली, जिसके बाद जानी मानी एक्ट्रेस नेहा पेंडसे ने मशहूर फैमिली कॉमेडी शो की कास्ट को ज्वाइन किया। इस शो पर वो अनीता भाभी का किरदार निभा रही हैं। नेहा से पहले इस रोल को एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने सालों तक निभाया था, लेकिन अब खबर है कि नेहा पेंडसे भी भाभी जी घर पर हैं शो को अलविदा कहने का मन बना चुकी हैं। बताया जा रहा है कि नेहा पेंडसे बहुत जल्द शो छोड़ने वाली हैं। ऐसे में मेकर्स ने नई अनीता भाभी की तलाश शुरू कर दी है। खबर है कि मेकर्स की नई अनीता भाभी की तलाश खत्म हो चुकी है। ऐसे में फैंस भी ये जानने को बेताब हैं कि आखिर वो कौन सी हसीना होगी जो भाभी जी घर पर हैं में अनीता भाभी की जगह लेने वाली है। तो आपको बता दें कि सामने आई जानकारी के अनुसार अब फ्लोरा सैनी शो में अनीता भाभी के किरदार में नजर आएंगी। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने अनीता भाभी के किरदार के लिए फ्लोरा सैनी को अप्रोच किया है और अगर सब ठीक ठाक रहता है तो फ्लोरा अब नई गोरी मैम बनकर दर्शकों को इंटरटेन करेंगी। दरअसल सौम्या टंडन के शो छोड़ने के बाद मेकर्स ने फ्लोरा सैनी को ही ये रोल ऑफर किया था, लेकिन तब उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, जिसके बाद यह रोल नेहा पेंडसे की झोली में जा गिरा। हालांकि अब तक मेकर्स ने फ्लोरा सैनी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, क्योंकि एक्ट्रेस की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। आपको बता दें कि फ्लोरा सैनी टेलीविजन शोज के साथ कुछ बड़ी फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें दबंग 2, स्त्री और बेगम जान जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इनमें फ्लोरा अहम किरदारों में नजर आ चुकी हैं। नेहा पेंडसे ने शो के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो नेहा आगे इस शो का हिस्सा नहीं होंगी। कहा जा रहा है कि बिजी शेड्यूल के चलते नेहा का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने शो छोड़ने का फैसला लिया है।